हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम सूप बनाना, जो है बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे एक पैकेट मशरूम, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, एक प्याज। तो सबसे पहले मशरूम को स्लाइस कर लेते हैं। आप इनको बारीक बारीक भी काट सकते हैं, यानी कि फाइन चॉप भी कर सकते हैं। चलिए अब प्याज को भी काट लेते हैं। मशरूम, प्याज और लहसुन बारीक बारीक काट लिए हैं। चलिए अब एक पैन ले लेते हैं, पैन में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के बाद मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड करा है, आप इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। अब उसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को पकाएंगे हल्का सा ब्राउन होने तक, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें ऐड करते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसमें ऐड करेंगे स्लाइस करे हुए मशरूम। इसको भी सौते करेंगे 102 मिनट के लिए। एक सौ दो मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे मैदा। अगर आपको सूप को हेल्दी बनाना है तो आप इसमें 2 चम्मच ओट्स को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मैदा और मशरूम अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें मिलाएंगे पानी। आप यहां पर वेजिटेबल स्टॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहां पर इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए या एक उबाल आने तक। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे ब्लैक पेपर पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें एक उबाल आने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। उबलने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और इसकी हाफ क्वांटिटी को ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब जो हमने मशरूम का पेस्ट मिक्सी में पीसा था उसको इसमें ऐड कर लेंगे और उसको भी इसमें मिला लेंगे। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमको फ्लेम को स्लो रखना है। अब इसमें ऐड करते हैं क्रीम। दोस्तों क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको क्रीम यूज़ नहीं करनी तो आप इसमें मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम मिलाने के बाद इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप पार्सले, आप चाहे तो इसमें हरे धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको सिखाया होटल स्टाइल में मशरूम सूप बनाना, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों सूप बन के रेडी हो चुका है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी के साथ।